हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के कुछ 8, ये आप टाइम देख सकते हैं, आज डेट है 7th of फ्राइडे सितंबर, 8 बजने वाले हैं और आज हम निकल रहे हैं अभी दिल्ली। BIC का इवेंट है, यामाहा स्पॉन्सर्ड किया है ट्रैक डे, और तो चलिए अब सफ़र को एंजॉय करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आप लोग को बताऊँगा पूरा रास्ते भर का। तो एग्जैक्टली 8 बजे मैंने पेट्रोल फुल करा लिया, 990 रुपये का पेट्रोल डलाया है। अब देखिए दिल्ली तक मुझे कितना और ये कितना चल जाता है। गाइस इस समय हम लखनऊ पहुंच चुके हैं, बाइक में आप देख सकते हैं लगभग 11:15 हो रहे हैं। ट्रिप मैंने ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया था, 260 किलोमीटर हो गए और ये लखनऊ का हाई कोर्ट। तो अब लखनऊ आया गया है तो रेस डायनेमिक्स तो जाना बनता है, और आयुष शर्मा से देखा जाए किस्मत अच्छा होता है तो मिला जाए, तो अगला स्टॉप अपना रेस डायनेमिक्स है। तो इस समय हम लोग हैं लखनऊ रेस डायनेमिक्स, और अभी मैं आप लोगों को बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पर खड़ी है आयुष वर्मा की BMW S1000 RR, विंगलेट्स इसमें लग चुके हैं, उस वीडियो भी आ चुका है। ये रही आयुष वर्मा की BMW S1000 RR, एक्रापोविक का एग्जॉस्ट लगा है, पीछे से इसका कुछ एक लुक ऐसा है, बहुत मोटा टायर है। कितना 200 सेक्शन का टायर है, 200 सेक्शन टायर। बाकी आप इधर देख सकते हैं विगलेंट्स लग गए हैं, और ये एक छोटा सा टूर लखनऊ रेस डायनेमिक्स का। यहाँ पर आपको बाइक से रिलेटेड हर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे बाइक्स भी खड़ी हैं, ये इंटरसेप्टर्स नहीं, GT 650, रॉयल एनफील्ड GT 650, ये एक हार्ली डेविडसन खड़ी है, ST7, ये आयुष वर्मा ने जो किया था बुलेट का शायद, हाँ KTM ड्यूक खड़ी है। यहाँ पे एक Z800 खड़ी है, कावासाकी Z800, और इधर का बाकी है इधर का कुछ सीन। तो गाइस वो जो आगरा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे वो मैंने पार कर लिया, और अब नोएडा एक्सप्रेस वे स्टार्ट होने वाला है, यमुना एक्सप्रेस वे पे से आ गया, चाय पी रहा हूँ, और कुछ देरी में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट आएगा उसको मैं दिखाऊँगा। और टाइम मेरे ख्याल से 5 के ऊपर हो रहा है टाइम, में एग्जैक्टली आपको नोएडा वो बुद्धा इंटरनेशनल पहुँच के बता दूंगा एग्जैक्टली टाइम। हेलो गाइस, तो इस समय मैं अपने फ्लैट में हूँ मामा के, और सॉरी मैं व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि बहुत आगे थकावट हो गया था और अंधेरा भी हो गया था। तो गोरखपुर से दिल्ली आने में मुझे 900 किलोमीटर टोटल कुछ मान के चलिए आप 2200 का कुछ तेल लगा है, और 600 के आसपास टोल का लगा है। अभी मैं आपको बाइक का चल के दिखा भी दूंगा मीटर, और उसमें एवरेज बाइक कितनी बता रही है और एवरेज स्पीड मेरी क्या रही। सुबह 8 बजे में निकला था और एग्जैक्टली 8 बजे मैं यहाँ गौर सिटी में पहुँच गया। तो चलिए अभी बाइक पे मिलते हैं, और अब मैं निकल रहा हूँ, आज 9 तारीख हो गया, अब बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट निकलूँगा, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो देखिए गाइस, दिल्ली से गोरखपुर से दिल्ली का टोटल सफ़र 812 किलोमीटर था, और एवरेज ये देखिए 38.1 दिखाया है, और 75 की मेरी एवरेज स्पीड थी। एक बार और आपको दिखा दे रहा हूँ, एवरेज ये दिखाया 38.1 का दिखा रहा है, और स्पीड एवरेज की। तो चलिए अब BIC निकलते हैं। तो अभी हम लोग BIC में एंटर कर चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर की बाइक्स जो आई हैं।